दादा जी आपने आपने कहा जाना कहाँ है? आइए सर, आइए प्लीज। टिकट है आपके पास? आपने दिखाई? सर मेरी बात तो सुने सर प्लीज, मैं एक मिनट सुनिए। ये टिकटें आपने इनसे लिए? भाई ये तो तमामशुदा टिकटे हैं, आपने खिड़की से क्यों नहीं खरीदी थी? रेलवेड़ा बंदा समझ के लगी खिड़की की तरफ जा रहे थे सर, उधर जैसा सर रेलवेड़ा बंदा बद्दी पाई है नहीं, मेरे को टिकटा दे लो जी, मैं टिकट देना रहा हूँ। भाई ये पहले से इस्तेमाल हुए हुए टिकट हैं और इसमें आप लोगों का भी नुकसान है और रेलवे का भी नुकसान है और इस जैसे लोग बहुत देर हो गई इनको ऐसी हरकतें करते हुए। सचिव ये आप जरा कब्जे में और आप लोग गवाही देंगे? अभी देवी जी गवाही आप इनके नाम पर आइए सर। आइए सर, एक दफा माफी देंगे, मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। आइए सर, ऐसा नहीं होगा सर, आखिरी चांस सर प्लीज सर। वो ठीक है जवाब, मगर शायद के लोगों को ये तो मालूम होता है कि कल अमरीका में क्या हुआ है, मगर वो ये नहीं जानते कि कल उनके पड़ोस में क्या कयामत गुजर गई है। उनके पास इतनी मोहलत नहीं होती कायदार, और गांव में फुर्सत ही फुर्सत होती है। लोग एक दूसरे के छोटे छोटे वाकियात को जानते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, नजर रखते हैं, एक दूसरे के काम आना चाहते हैं। जी जी सर। अब ये चौधरी अल्लाह पिता के घर में माल था और लोग चोरी करके ले गए। ये लोगों को मालूम होता है कि किसने क्या खाया है और क्या कमाया है। शहर से लेके आया था बेचारा पैसे मांग था मस्जिद के लिए, मांगे तांगे के पैसे भी चोरी हो गए। बड़ी हमारे गांव की रसवाई हुई है थानेदार, बड़ी रसवाई। मैं देखू दूर दूर तक रसवाई हुई है हमारे गांव में। फैसल मेरे पास कोई भी नहीं आया ऐसी कोई शिकायत लेकर, और किसी ने ऐसी वैसी कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई, क्यों शाहजी? जी सर, और लोग स्कैप लेकर मेरे पास आते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी हो तो मैं खुद आता हूं। पलफ से नबीस साहब, फिर दर्ज करवाइए रिपोर्ट और देखिए कि मैं क्या करता हूं। हाँ, अब देखेंगे देखेंगे, जब रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे तो ये भी देखेंगे। फिलहाल तो मैं ये कहने आया हूँ थानेदार, तेरी कमी कमजोरी से दूर है, उस सरकार दरबार में तेरी बड़ी इज्जत है, इस इज्जत को मिट्टी में न रोड़। ये कभी कभी किसी के लिए होते बचाला कुर्सी शाहजी। जी सर, सवाली अपनी सी तरफ कर चुकी। जिंदगी नूर है, अमले रब्बी है, हमें इस अमले रब्बी के आगे सर झुकाए रखना है और अपनी जिंदगी इस नूर के उजले रास्ते पर गुजारनी है।
जिसकी निशानदही कर दी गई है और जिसे आसान बना दिया गया है। हम इस रास्ते को शायद यूं छोड़ देते हैं कि हमें ये निस्बतन तवील दिखाई देता है, मगर खते मुस्तकीम दो नुक्तों के दरमियान कम अज कम फासले ही को तो कहते हैं ना। ये टेढ़े मेढ़े रास्तों की लपक, ये गुंजलक और गुंजान रास्तों का ख्याल हमें सीधे रास्ते से हटाने का बहुत ही आरास्ता पैरास्ता रास्ता है और इसे शैतान ने सजाया है और उसका काम हमारे दिल में इस रास्ते की लगन पैदा करना ही होता है। बाकी का काम इंसान शैतान से बेहतर तौर पर अंजाम दे लेता है। बताता हूँ चाचा, सब कुछ बताता हूँ। इलेक्शन में तो बैठ, पहले बता जाना किधर है। चल बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। चल चल चल, तुझे मैं अपने बचपन के एक यार से मिलाता हूँ। चल शाबाश, अल्लाह का करम है, ये तो बड़ा अच्छा हुआ यार तू मिल गया। शुक्र है तू ठीक ठाक तो है। भाई बात अच्छी है, तो आपने कमाली कर दिया। सूफी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अच्छा जी बताइए कि हम काम कब से शुरू कर सकते हैं। बस ये यूनियन काउंसिल का नक्शा पास होते ही हम काम शुरू करते हैं। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी बाकर, ये मोहम्मद रफीक है, हमारे इलाके का सबसे बड़ा तैराक। जी अस्सलाम वालेकुम सूफी जी। मौलवी बाकर, चौधरी रियासत अली के कुर्बों ने इसे भी डुबो कर मार देने की कोशिश की, लेकिन ये मुर्दा तारी जानता था, उन्हें जुल देकर बच लिया। ये भी चौधरी रियासत अली के शिकारों में से एक है। चलो, तुम्हारे काफिले में एक और जवान भाई खुर्शीद मुनव्वर अपने नए साथी से। खुर्शीद मुनव्वर कहते हैं इस नाचीज को, पर मुजब्बद रजीब को मोहम्मद रफीक कहते हैं। नसीब लोगों के सरों पर सींगड़ी होते थानेदार जी, हमारी तरह की सूरतें होती हैं उनके लिए, मगर ये जमीन पर रींगते हुए तीरों से भी ज्यादा कम हैसियत की होती है। पर ये कम अकड़ कम नसीब अपनी उसी हैसियत पर कनात कर लेती, उसे ही अल्लाह की रजा समझ लेते हैं और अपने हाल में मस्त रीगते चले जाते हैं, रीगते चले जाते हैं, ओलू के बहर की तरह। उन्हें ये इल्म नहीं होता कि वो रास्ता नहीं काट रहे, सिद्ध की काट है। रास्ता नहीं कट रहा, जिंदगी कट रही है। अब ये देखे ना, रीते तेली का क्या आशीर्वाद बेचारे का, नाश बिना मिली
बड़ा मान था उसे अपने दारू होने पर बोलू के बैल से भी ज्यादा बुरा असर हुआ उसका। सच कहा किसी ने, सपेरा साफ के हाथों और तारू पानी के हाथों जहां देता है। चौबीस साहब, ये बशीरा और वजीरा तो कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूं कि उनकी बात मानू या ना मानू। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब कि उनकी कही हुई बातों पर यकीन कर लूं या फिर ना करूं। मैं सुनूं तो बड़ा ईमानदार आदमी है, मगर अब मैं देखूं तो मुझसे रिश्वत मांग रहा है। अब मैं अपने कानों पे यकीन करूंगी या अपनी आंखों पर? चलिए साहब, आप मर्जी के मालिक, जो जी में आए कीजिए, मगर फिलहाल तो आपकी आंखें भी थाने में हैं और आपके कान। देवी जी, मेरी राय में तो हमें एक बार और मिलना चाहिए चौधरी से और उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं। ओहो, फायदा तो कोई नहीं है ना, लेकिन इतना में हुज्जत बड़ा जरूरी है। खुशी भाई, आप एक दफा जाइए, उसे समझाइए, फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। सूफी जी, भूल गया क्या हशर करता है वो कानून की मदद लेने वालों का? नहर में डबो के मार देता है अपनी तरफ से, अगर मार नहीं पाता भाई, वो बचाने वाला जो है ना, वो मारने वाले से कमाना है। लेकिन फिर भी मेरी राय वही है कि इत्मा में हुज्जत बहुत जरूरी है, इसलिए कि उसी का फरमान है कि अहले हुब्बत से संभल कर बात करो। पराठे हैं मेरी बीवी ने पकाए, मेरी बीवी बड़ा अच्छा खाना पकाती है, खाओ खा लो, खाओ खा लो खा लो। कैसा है? और खाओ और खाओ और खाओ। कैसा? मेरी बीवी कैसा पकाती? मेरी बीवी बड़ा अच्छा खाना पकाती है। लोग कहते हैं कि अब तेरी बीवी जैसा खाना सिर्फ एक औरत लाया करती थी, पता नहीं कहां से आई थी, फिर वो चली गई। किसी को आए तो उसके नाम का ही नहीं पता बेचारी का। मुझे पता है, तुम उसे जानते हो? हाँ, बिल्कुल उसे जानता था। मेरी सोनी थी, मेरी सोनी, इतनी बड़ी सोनी,
फिर उसका अंजाम भी सोनी जैसे ही है। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं उसे जानता था, पता है वो मेरी बीवी थी। मेरी बीवी सच के सोनी, क्या हुआ था? तुम क्यों मर गए? लाश इतनी बड़ी सोनी से गिरी। किसने कत्ल किया था? लाखों में उसे बच के पता, मैं उसे कैसे खत्म कर सकता था? वो तो लाखों को बदनाम करने के लिए उस पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। फैसला हमारा, इसी वजह से आज हम अपने खानदान की तमाम जरूरतें पूरी कर सकते हैं। फैमिला 28 लेकिन मैं क्या और मेरी औकात क्या? अलबत्ता आपके हौसले के सामने तो समुंदर की वसत भी सिमट जाती है। आपकी फराखदिली के सामने बड़े बड़े दरिया अपना रुख फेर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन आज आप बिलावजह बिफर रहे हैं चौधरी साहब। बिफर रहा हूं? बिफर रहे हैं बल्कि ठाठे मार रहे हैं। ठाठे मौज में आए हुए दरिया की तरह बहाए लिए चले जा रहे हैं अपने रास्ते में आने वाली हर शय को। बखुदा आज तो आप सैलाब पर आया हुआ दरिया लग रहे हैं चौधरी साहब। सैलाब आना चाहिए दरिया में शहरी बाबू, सैलाब आना चाहिए। दरिया में सैलाब आना बंद हो जाए तो काश्तकारी आगे नहीं बढ़ती। लोग उसे बुढ़ा दरिया कहने लगते हैं शहरी बाबू, बुढ़ा दरिया। सिमीदार भी एक सैलाब होता है, अगर इसमें सैलाब आना बंद हो जाए, अगर ये मौज में आकर अपनी किनारे काटना छोड़ दे तो जिम्मेदारी आगे नहीं बढ़ती। तो बुनियादी दरिया का दबदबा होती है, दबदबा होती है शेरी बाबू। ये दरिया, इसीलिए तो कहता हूं कि इस पर बंद बांधा जाना चाहिए, इसकी तुगयानी को काबू में लाना चाहिए। जिस तरह दरियाओं पर डैम बनाए जाते हैं, इससे दरिया की कुवत एनर्जी और ज्यादा बढ़ती है। दरिया का दबदबा खत्म नहीं होता बल्कि उसी तरह कायम रहता है। इसीलिए कहता हूं कि इस तुगयानी पर काबू पाने के लिए सब बर्दाश्त तहमुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। सब्र बर्दाश्त तहमुल बुर्दबारी, ये कमजोर लोगों की जाति होती है जिसके सहारे वो हमारे सामने चलते हैं। सर झुका कर
चला जा शारी बाबू, जा चला जा। चला जा और दुआ दे अपनी हकलाती याची को, जिसके सहारे तू ये दरिया पार करके आए। नाम रहे तो वो दरिया हूं जिसके आगे पद पद देखी सोचने वाले को भी बहा के ले जाता हूं। चला जा।